श्रोताओं आज का कमेंट लिया है हमने श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी का, जोताया सरवाड़ अजमेर से हैं। इनकी पहेली है, हंस सुता पति के तुपे, दिज पति पति हैं यान, दिस परवर्ती हो तनु जब हनत वीर संधान। श्रोताओं आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिल सके सबसे पहले हमारा ज्ञानात्मक वीडियो। आइए श्रोताओं, अब हम श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी की इस पहेली का जवाब प्रस्तुत करते हैं। हंस सुता पति के तुपे, हंस सुता पति के तुपे, दिज पति पति हैं यान, दिस परवर्ती हो तनु जब हनत वीर संधान। श्रोताओ, हम इस पहेली के दो अर्थ बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा सुनना। तो श्रोताओ, हम इसका अर्थ सेकंड लाइन से करते हैं। दिज पति पति है यान, यहां से करते हैं। दिज शब्द के अर्थ हैं ब्राह्मण, भूदेव, विप्र, महीदेव, महीसुर, ऐसे इसके अर्थ हैं। तो भूदेव या महीदेव कहें तो ब्रह्मा जी को कहते हैं, पृथ्वी का स्वामी ब्रह्मा जी। दिज पति या फिर ब्राह्मणों का स्वामी भी ब्रह्मा जी को माना गया है। तो दिज पति अर्थात ब्रह्मा जी, पति दूसरे पति का अर्थ हो गया स्वामी। स्वामी हैं यान, यान माने विमान, रथ, ऐसे अर्थ होते हैं। तो उस विमान के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। हाँ, अब फर्स्ट लाइन पे आएंगे, हंस सुता पति के तुपे। प्रकाश वैष्णव जी ने के और तू ये शब्द अलग अलग कर दिए हैं। तो हंस सुता, हंस सुता ये शब्द मैदानव की पुत्री के लिए आ रहा है। हंस सुता अर्थात मैदानव की पुत्री के पति कौन? रावण। के तू पे, तू माने तुम पर, पे माने पर है। तो ब्रह्मा जी जिस विमान के स्वामी हैं, वह विमान हंस सुता मैदानव की पुत्री मंदोदरी के पति कौन? रावण तुम पर है, अर्थात वह विमान रावण पर है। अब ब्रह्मा जी का वह विमान रावण पर कैसे आया? ब्रह्मा जी ने उस विमान का निर्माण किया था, वह कुबेर के लिए दिया था, और कुबेर से बलपूर्वक रावण ने उस विमान को छीन लिया था। तो वह विमान रावण पर है, दिश परवर्ती हो तनु जब हनत वीर संधान। दिश परवर्ती हो, उस विमान की दिशा बदल जाती है। तनु, तनु का अर्थ एक तो की ओर है और दूसरा अर्थ तुला राशि भी है तनु शब्द की। तो की ओर अर्थ में लेते हैं पहले। दिश परवर्ती हो तनु अर्थात उस विमान की दिशा उसी ओर बदल जाती है जब हनत वीर संधान, जब वध करने के लिए भगवान वीर या भगवान राम के लिए आ रहा है। जब भगवान राम, संधान कहते हैं बाण चलाने की प्रक्रिया, और हनत माने वध करना।
तो वध करने के लिए भगवान श्री राम बाण चलाते हैं। तो उस समय ये बाण चलाने की प्रक्रिया करते हैं, उस समय उस रथ की दिशा बदल जाती है। दूसरा अर्थ देखें नीचे की लाइन का, दिश परवर्ती हो तनु, अर्थात उस विमान की दिशा बदल जाती है। तनु अर्थात तनु शब्द है जो तुला राशि का है, और राम शब्द भी तुला राशि का है। जब भगवान श्री राम हनत वध करने के लिए, मारने के लिए संधान वही बाण चलाने की प्रक्रिया करते हैं, अर्थात भगवान श्री राम जब वध करने के लिए, रावण का वध करने के लिए बाण चलाने की प्रक्रिया करते हैं, तो उस रथ की दिशा बदल जाती है। श्रोताओ एक बार अर्थ और सुनिए। दिज पति पति है यान, पीछे के शब्द से हम इसका अर्थ करके लाएंगे। दिज पति अर्थात ब्रह्मा जी, दूसरे पति का अर्थ स्वामी, ब्रह्मा जी स्वामी हैं उस यान के। वह यान हंस सुतापति अर्थात मैदानव की पुत्री मंदोदरी के पति रावण, तुपे माने तुम पर है, अर्थात वह विमान रावण पर है। दिश परवर्ती हो तनु, उसकी दिशा बदल जाती है। जब तनु बोई तुला राशि राम शब्द की भी है। जब भगवान श्री राम हनत मारने के लिए, वध करने के लिए संधान कहते हैं बाण चलाने की प्रक्रिया, जब बाण चलाने की प्रक्रिया करते हैं, और वीर शब्द भी भगवान श्री राम के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से पहला अर्थ तो ये हुआ। अब आप दूसरा अर्थ भी सुन लीजिए। हंस सुतापति की तुपे, दूसरा अर्थ हमें बताने के लिए दो शब्दों को एक करना पड़ेगा। प्रकाश वैष्णव जी, आपने के और तू को अलग किया है, हम इन दोनों को मिला करके केतु शब्द कर देते हैं। तो हंस सुतापति केतु पे, दूसरा अर्थ हंस का होता है सूर्य, एक अर्थ हंस का सूर्य भी होता है। तो सूर्य की सुता माने पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन? सुवर्चला के पति हनुमान जी। अब हनुमान जी कैसे हुए कि हनुमान जी का जो गुरु था वो सूर्य देव जी थे, और एक विद्या ऐसी थी जो शादीशुदा को ही सिखाई जा सकती थी, इसलिए हनुमान जी को सूर्य की पुत्री सुवर्चला से शादी करनी पड़ी थी, ऐसा भी एक ग्रंथ में आता है। तो एक जगह हनुमान जी को शादीशुदा भी बताया गया है। तो उन्होंने सूर्य की पुत्री सुवर्चला से शादी की थी। तो हंस सुता सूर्य की पुत्री, हंस माने सूर्य, क्योंकि हंस का पर्यायवाची एक सूर्य भी है, सूर्य का पर्यायवाची हंस है ये कह लो। तो सूर्य की पुत्री सुवर्चला का पति हनुमान जी केतुपे माने ध्वजा पर हैं। अब हम दूसरी लाइन का अर्थ करेंगे। दिज पति पति है यान, दिज पति, दिज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। तो ब्राह्मणों का स्वामी अग्निदेव होता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग अग्निदेव को ही प्रसन्न करने लगे रहते हैं। तो ब्राह्मणों का स्वामी अग्निदेव को भी माना गया है।
तो अग्निदेव द्विजपति, अग्निदेव पति हैं अर्थात स्वामी हैं। यान, अब हम यहाँ यान का अर्थ विमान से नहीं लेंगे बल्कि रथ से लेंगे। तो अग्निदेव पति हैं, दूसरे पति का अर्थ स्वामी हैं उस यान के, उस रथ के। और हंस सुता पति केतु पे, और हंस सुता, हंस सुता पति अर्थात हनुमान जी उस रथ की ध्वजा पर हैं। तो वो किसका रथ हो गया? अर्जुन का हो गया। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, और जो रथ था वो अग्निदेव ने खांडव वन में अर्जुन के लिए प्रस्तुत किया था। तो द्विजपति अर्थात अग्निदेव पति हैं, स्वामी हैं उस रथ के। और फर्स्ट लाइन पे आ जाओ, हंस सुतापति अर्थात सूर्य पुत्री सुवर्चला के पति हनुमान जी। केतु का अर्थ ध्वजा हो गया, पैमाने पर हैं, उस ध्वजा पर हैं या उस ध्वजा के ऊपर हैं, उस रथ की ध्वजा के ऊपर हैं। दिश परवर्ती हो तनु जब हनत वीर संदान, दिश परवर्ती उस रथ की ध्वजा, सॉरी उस रथ की दिशा, दिश माने दिशा, परवर्ती माने बदल जाती है, तनु का अर्थ की ओर। तो उस रथ की दिशा उसी ओर बदल जाती है जब हनत वीर संधान, जब अर्जुन वध करने के लिए, मारने के लिए संधान, बाण चलाने की प्रक्रिया करते हैं, जब अर्जुन मारने के लिए, वध करने के लिए बाण चलाने की प्रक्रिया करते हैं, तो उस रथ की दिशा भी बदल जाती है, अर्थात उस रथ की दिशा दुश्मन की तरफ हो जाती है। ये इसका दूसरा अर्थ है। एक बार दोबारा सुनो इस दूसरा अर्थ, हंस सुतापति केतु पे द्विजपति पति है यान। द्विजपति ब्राह्मणों का स्वामी अग्निदेव, द्विजपति हो गए, दूसरा पति स्वामी है यान उस रथ के, अर्थात अग्निदेव उस रथ के स्वामी हैं। और हंस सुतापति अर्थात सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला के पति हनुमान जी केतु पे अर्थात उस ध्वजा पर विराजमान हैं, उस रथ की दिशा उसी ओर हो जाती है जब अर्जुन हनत वीर संधान वध करने के लिए बाण चलाने की प्रक्रिया करते हैं, अर्थात दुश्मन को मारने के लिए जिस ओर जो अर्जुन हैं वो बाण चलाने की प्रक्रिया करते हैं, उस रथ की दिशा भी उसी ओर हो जाती है। उस रथ, उस जो वो रथ था उसमें ये खासियत थी कि वो रथ उसी ओर मुड़ जाता था जिस ओर दुश्मन होता था, अर्थात जिस ओर अर्जुन बाण चलाना चाहता था उसी ओर वह रथ मुड़ जाता था। तो श्रोताओं, इस प्रकार से श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी की इस पहेली का जवाब लग चुका है। इसी के साथ जय हिंद।